साथियों आप सभी का स्वागत है आईसीटी मीडिया न्यूज़ के अंदर और एक बार फिर से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं बीजेपी के एक भावी प्रत्याशी है जो यहाँ पे वार्ड नंबर 28 से जो चुनाव लड़ रहे हैं पार्षद के तौर के ऊपर हमारे साथ में प्रत्याशी जुड़े हुए हैं और इनके इनसे बात करेंगे कि इनके क्या अपने मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इनको कमी लगी है और क्या उस कमी को ये पूरा करने वाले हैं, उनको लेकर के बात करने वाले हैं। मैम सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद मैम। आपका परिचय एक बार दर्शकों को जरूर। मैं इंद्रमणि, वार्ड नंबर 28, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी जी। और आपको बताना चाहेंगे जिला झुंझुनू के अंदर चार चरणों के अंदर चुनाव हो रहे हैं। पहला चरण 23 तारीख का है, दूसरा 27 का है, 27 नवंबर का। तीसरा चरण रहेगा वो 1 दिसंबर का रहेगा और चौथा चरण रहेगा 5 दिसंबर का रहेगा। प्रधान और उप प्रधान यानी कि जिला प्रमुख और जिला उप प्रमुख के जो चुनाव रहेंगे वो 10 और 11 दिसंबर को रहेंगे। उन्हीं को लेकर के चुनाव यहाँ पे 27 नवंबर को जो चुनाव होने वाले हैं उन्हीं के बीच के बीजेपी के प्रत्याशी हैं। मैम किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं? जनता के आधारभूत जो भी मुद्दे हैं, ग्रामीण जनता के बीच में बहुत से छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, उनको लेकर के हम झुंझुनू तक उनकी आवाज़ बनकर जाना चाहते हैं। क्या क्या छोटी छोटी है, क्या समस्याएं दिखाई दी हैं आपको क्षेत्र के अंदर, उनको एक बार थोड़ा दर्शकों को बताया ताकि वो भी जागरूक हो जाए। हाँ ये रिली में सच में ही कमी है। बिजली की, पानी की, एजुकेशन की और ख़ास तौर से बेटियों को पढ़ाने के लिए जो बहुत ही हमारा अभी भी समाज काफ़ी पिछड़ा हुआ है, महिलाओं को लोग आगे लाना चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं ला पाते हैं, तो हम चाहते हैं कि लड़कियों को आगे लाया जाए और महिलाओं को भी उनका सम्मान मिले और पूर्ण अधिकार मिले। आपने बात किया शिक्षा का, शिक्षा का आपने क्या प्रोफाइल बना रखा है, क्या प्रारूप तैयार कर रखा है कि आप किस तरह से लेकर के आएंगे आप आगे? हम एक NGO चलाते हैं 7-8 साल से पीछे हिम्मत के नाम से, और ग्रामीण इलाकों में जो सरकारी स्कूलें हैं उसमें एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए हम सरकारी स्कूलों में ज़्यादातर गरीब बच्चे जाते हैं, गरीब समाज से बिलोंग करते हैं वही बच्चे जाते हैं, तो उनको हम अपने NGO के माध्यम से स्कूल ड्रेसेज और स्वेटर्स, पढ़ने की सामग्री जैसे कॉपी है, किताब है, बैग्स है, वो सब अवेलेबल कराते हैं और आगे भी हम जारी रखेंगे। हम इस अगर हम चुनाव जीतते हैं और समाज हमें जोन तक पहुंचने का मौका देता है तो मैं और भी उसको बुलंद आवाज़ के साथ जोनों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी ताकि गरीब समाज को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन की सुविधाएं मिल सकें जो उनको नहीं मिल पा रही। जी इसमें दो दर्पण हो गए, एक तो आपका NGO का दर्पण आपने दिखाया है कि हमने वो किया है वो और लेकर के पहुंचेंगे, दूसरा दर्पण आ जाता है आपका पार्षद का। पार्षद के लिए मेन भूमिका जो आपकी है वो पार्षद की है, क्योंकि अभी आपने जो दर्पण दिखाया है वो आपने दर्शकों को सिर्फ आपका NGO का दिखाया है, हिम्मत नाम का NGO का, कि भाई ये अभी हमने काम किया और जनता साथ देगी, जनता अगर पर्द देती है तो हम झुंझुनू तक लेके जाएंगे उसको, लेकिन पार्षद देखना चाहते हैं, पार्षद के रूप में आपको जनता देखना चाहते हैं कि आप क्या करने वाले हैं? पार्षद के रूप में जो भी सरकारी सुविधाएं गवर्नमेंट देती है एजुकेशन से रिलेटेड जो भी, वो गाँव तक नहीं पहुँच पाती है, तो मैं उन मुद्दों को लेकर झुंझुनू तक उनकी आवाज़ बनकर जाना चाहती हूँ। जी आपके क्षेत्र के अंदर सबसे भारी और बड़ी समस्या है पानी की, पानी का उचित व्यवस्था नहीं है पीने की, और उसके साथ में दूसरा नंबर पे आती है शिक्षा की, तीसरी जो आती है वो होती है पर्यावरण की। ये जो तीन अहम जो मेन मुख्य जो समस्याएं हैं इनके बारे में आप क्या करना चाहेंगे? पर्यावरण के बारे में तो वैसे काफ़ी अभी समाज एग्री है, ऐसी बात नहीं है, बहुत से लोग पेड़ पौधे लगा रहे हैं, अपने खेतों में भी लगा रहे हैं, गाँव में भी लगाए जा रहे हैं, स्कूलों में भी लगाए जा रहे हैं, उसी को मैं और आगे बढ़ा करके जो भी हमसे जो भी जिला परिषद के अंदर आते हैं जो भी सुविधाएं आती हैं उनको ग्रामीण तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जनता जानना चाह रही है, मैं भी जानना चाहूंगा कि आप ये चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं या इससे पहले भी कोई और चुनाव लड़े हैं आपने? जी नहीं, मैं राजनीति में फर्स्ट टाइम आ रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि अपना अच्छा रिजल्ट देने। जी अब जनता का एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, जनता आपको ही क्यों चुने, और भी प्रत्याशी है सामने, आपको ही क्यों चुने क्योंकि आप पहली बार चेहरा आपका बन रहा है? जनता से मैं इसलिए ये उम्मीद करती हूँ कि वो मुझे ही चुने, क्योंकि मैं पीछे 7-8 साल से एक NGO की सेक्रेटरी हूँ और हमने ग्रामीण समाज में बहुत सी सरकारी सुविधाएं दी, सॉरी अपने NGO के माध्यम से बहुत सी सुविधाएं उनको दी हैं, तो मेरे काम को देख करके जो हमारे NGO के थ्रू हमने जो भी हेल्प की है ग्रामीण समाज में उसको देख करके मैं जनता से अपील करती हूँ कि हमारे काम को देख करके वो हमें वोट दें। बिल्कुल जनता आपके साथ में जहाँ तक होगी आपके विचारों से सहमत होकर के बिल्कुल, लेकिन एक बात एक और सवाल बन जाता है यहाँ पे, सवाल ये बन जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट
वो कांग्रेस है, और आप यहाँ पे पार्षद के चुनाव बीजेपी को अगर आपको देते हैं, कांग्रेस स्टेट गवर्नमेंट आपको कोई ग्रांट नहीं देगी या आपको कोई आगे नहीं बढ़ने देगी, क्योंकि एक चीज़ आ जाती है कि भाई एक जीतने के बाद में ये बोलते जी हमारा राज नहीं है स्टेट में, या कांग्रेस का प्रत्याशी बोल देता जी हमारा राज नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो ये एक क्वेश्चन तो उठेगा, तो इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो बाधाएं तो आती हैं और बाधाओं को पार करके आप आगे पहुंचते हैं, उसी को नाम जीत कहते हैं। जी अभी हमारे साथ में जुड़े हुए थे यहाँ पे जिला परिषद झुंझुनू से वार्ड नंबर 28 से मैडम का नाम एक बार इंद्रमणि जी जुड़ी हुई थी, और इन्होंने अपने जितने भी क्वेश्चन थे जो मैंने इनको आपके सामने इन्होंने क्लियर किए हैं, तो अगले इनके क्या विचार है, अगला क्या पड़ाव रहेगा, आपको दो दिन के बाद में फिर इनसे मुलाकात कराते हैं, और जो इनके वार्ड नंबर 28 के जो क्षेत्र के जो लोग हैं वो क्या कहना चाहते हैं बीजेपी के लिए और इंद्रमणि मैम के लिए, उनसे आपको मिलवाते हैं। तब तक के लिए आप हमारे साथ में जुड़े लिए धन्यवाद।